खरसाना पानी आंदोलन की भांति आक्रोशित आंदोलन करेंगे माकपा कार्यकर्ता। कालूराम ने पहली लाठी खाने की घोषणा। व्यापार मंडल खरसाना जिला मुख्यालय महापड़ाव में पहुंचने की करेगा व्यवस्था। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए तीनों अध्यादेशों के विरोध में आज खरसाना के व्यापार मंडल भवन में किसान मजदूर व व्यापारियों ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय काउंसिल सदस्य शिवपत मेघवाल, किसान नेता कालू थोरी व पूर्व विधायक पवन दुग्गल सहित आए वक्ताओं ने इस काले कानून के बारे में विस्तार से बताते हुए खरसाना 2004 में हुए किसान आंदोलन को याद दिलाने की बात कही। वक्ताओं ने हरियाणा के पीपली गांव में हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए इस आंदोलन को और तेज करने का आह्वान क्षेत्रवासियों से किया। इसके साथ बताया कि 15 सितंबर को उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर मोदी का पुतला फूंका जाएगा व 21 सितंबर को जिला मुख्यालय श्री गंगानगर में महापड़ाव किया जाएगा। यदि सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजाने की बात पर जोर देकर बड़ी चेतावनी दी है। किसान मजदूर और व्यापारियों के खिलाफ जो तीन अध्यादेश बिल कैबिनेट में पास करके और संसद में पास कराने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ, और हाल ही में अभी हरियाणा के पीपली में जो सैकड़ों किसानों के ऊपर राज्य सरकार द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया था उसके विरोध स्वरूप आज गरसाना उपखंड कार्यालय क्षेत्र में व्यापार मंडल में व्यापारियों मजदूरों और किसानों की संयुक्त बैठक रखी गई, जिसके अंदर सैकड़ों किसान मजदूर व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और सर्वसम्मति से ये निंदा प्रस्ताव पास किया गया कि जो किसान अपने हक के लिए लड़ेगा उस पे जो लाठीचार्ज हुई है उसकी सख्त और कड़ी निंदा करते हैं। और इसके साथ आने वाली 15 तारीख को गरसाना उपखंड कार्यालय पे इस तीन अध्यादेश के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाएगा और उसके बाद 21 तारीख को जिला मुख्यालय के ऊपर गरसाना से सैकड़ों की तादाद के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर जिला कलेक्टर का घेराव करने जाएंगे और ये आंदोलन तब तक अनवर जारी रहेगा जब तक तीनों अध्यादेश सरकार निरस्त न करे। इसके खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन का आज गरसाना व्यापार मंडल से आगाज किया गया है। मजदूरों के साथ जो आपने बैठक की है, आगे क्या आपने निर्णय लिया है और इस अध्यादेश को लेकर क्या कहेंगे? हमने पूरे गंगानगर जिले की मंडियों में किसान मजदूर और व्यापारी की संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया है। ये जो केंद्र सरकार तीन अध्यादेश जो किसान मजदूर व्यापारी विरोधी लेके आई है इनके खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और 15 तारीख को पूरे गंगानगर जिले के अंदर नई धान मंडियों के अंदर मोदी सरकार का पुतला फूंकेंगे और 21 तारीख को हम जिला मुख्यालय के ऊपर किसान मजदूर और व्यापारी भारी संख्या में पहुंचेंगे और किसी भी हालत में इन तीनों अध्यादेशों को पास नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे जब तक मोदी सरकार नहीं झुक जाती। किसानों के काफ़ी संगठन बने हुए हैं यहाँ इस क्षेत्र में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक इस मुद्दे के ऊपर सारे किसान संगठन एक है। जब व्यापारियों के साथ गंगानगर में मीटिंग हुई थी तो चारों के चारों जो किसान संगठन है वो एक साथ थे और सभी लोग जो सभी किसान हैं वो इन मुद्दों के ऊपर एक राय है और मिलकर आंदोलन करेंगे। सरकार के जो तीनों अध्यादेशों को लेकर आपने जो गरसाना व्यापारी मजदूर व किसानों की जो बैठक ली है इसके बारे में बताइए, आगे क्या जो है आपका निर्णय रहेगा? केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो 3 जून को तीन अध्यादेश कृषि सुधारों के नाम पर लाए गए हैं, हम किसान मजदूर व्यापारी संगठनों ने इस बात का विरोध किया है कि ये तीनों अध्यादेश सरकार खेती किसानी और मंडियों को बर्बाद करने के लिए लेके आई है, जिसके विरोध में पूरे जिले भर के अंदर ये हमारा संपर्क अभियान चल रहा है। 15 तारीख को जिले की सभी मंडियों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जला के हम चेतावनी देंगे कि इस काले कानूनों को वापिस ले, अन्यथा आने वाली 21 तारीख को गंगानगर कलेक्ट्री के चारों तरफ से हम घेराव करके सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इन काले कानूनों को वापिस ले।